तो हाय गाइस, मैं आज आपके फिर से एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके प्ले स्टोर में फ्री फायर मैक्स नहीं शो करती तो आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई काम आ गया था। और दूसरी बात की ये कि मैंने बहुत पहले एक पोस्ट की थी कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, पूजा लॉन्चर चिक्की या फिर कोई और कमेंट करें, तो फिर उसमें चिक्की पे वोट आए थे। तो चिक्की में मुझे कोई टॉपिक मिला नहीं, तो मैं चिक्की में फिर कभी वीडियो बनाऊँगा। तो आप चिक्की के टॉपिक कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात की ये कि मैं पिछली वीडियो के कमेंट देख रहा था, तो उसमें एक बंदे ने बोला था कि फ्री फायर मैक्स प्ले स्टोर पर नहीं, उस पर बनाओ, तो फिर मेरे में शो नहीं करता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ इस पर बनाना चाहिए, तो मैंने बना दिया। और वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले मेरी वीडियो देखते तो बहुत सारे लोग हैं पर सब्सक्राइब बहुत कम निकल रखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत, और वीडियो लाइक कर दें क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट की वजह से हमें नई वीडियो बनाने की वजह मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं प्ले स्टोर खोलता हूँ, यहाँ पर मैं फ्री फायर मैक्स को सर्च करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं फ्री फायर मैक्स नहीं आ रहा है, सिर्फ फ्री फायर आ रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना है होम पर, और यहाँ पर आपको गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है फ्री फायर मैक्स एपीके के पे। ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं सर्च किया हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है, और फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलकर डाउनलोड एपीके यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे वाला डाउनलोड एक्स एपीके पर क्लिक करना है, और डाउनलोड एक्स एपीके पर क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड होना शुरू होगा। फिर मैं आपको तब मिलता हूँ जब ये डाउनलोड हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन फ्री फायर मैक्स वाली ये फाइल हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, आपको होम पे जाना है, प्ले स्टोर पर जाना है, और एक ऐप सर्च करनी है जिसका नाम है जेड आर्चीवर। तो यहाँ पर मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, ये रही टॉप टॉप पे आ गई है जेड आर्चीवर ऐप, और यहाँ पर आपको इसे इंस्टॉल कर देना है। मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं ओपन करता हूँ। ओपन कर देने के बाद आपको यहाँ पर जाना है डाउनलोड फोल्डर में, क्योंकि आपको डाउनलोड में पड़ी होगी। उसके बाद आपको यदि मिल गई है फाइल को इसे क्लिक करना है, एक बार क्लिक करना है। उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करना है, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है, ऐसा कुछ आएगा। उसके बाद ये फिर से लोडिंग होगी, तो ऐसे होने देते हैं, तो ये थोड़ी देर होगी। उसके बाद आपको कुछ ऐसा शो करवाएगा, ये देखिए। फिर आपको यहाँ पर कीप द स्क्रीन फ्रॉम रनिंग ऑफ को ऐसे क्लिक कर देना है, और उसके बाद इसे होने देना है। ये एक्सट्रेटिंग हो रही है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो उसे होने देते हैं। और ये होने के बाद आपको यहाँ पर बैक आ जाना है, और यहाँ पर आपको देखा देता हूँ, ये देखिए फ्री फायर मैक्स आ चुकी है। तो अब आपको ओपन करके एक गेम प्ले भी दिखा देता हूँ कि ये काम कर रही है। तो यहाँ पर हमारी फ्री फायर मैक्स चल चुकी है, तो मैं सेटिंग्स पर जाता हूँ, और यहाँ पर सेंसिटिविटी कंट्रोल वगैरह है। तो यहाँ पर अगर आपको अपने कंट्रोल चाहिए तो आप हम डाउनलोड करके कर सकते हो, नहीं तो अगर आपके हम अपलोड नहीं हुए हुए तो आप फ्री फायर से जाकर अपने कस्टमर सेटिंग्स को अपलोड करके डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर बाकी डिस्प्ले में देखें, आप यहाँ पर मैक्स ग्राफिक्स मिलेंगे या फिर नॉर्मल फ्री फायर में नहीं है, इसमें बहुत अच्छे ग्राफिक्स हो जाते हैं। और यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन और अल्ट्राफिक्स में आपको पूरे ग्राफिक्स के साथ गेम पर दिखाऊंगा। और यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक एक्सटर्नल ऑप्शन है एफएफ मैक्स करके, तो इसमें आप लॉगिन वीडियो, लॉबी स्टाइल, ऑडियो स्टाइल, डिस्प्ले योर ओन लॉबी, डिस्प्ले और टीम लीडर्स लॉबी, और एनिमेशन वगैरह, विजुअल इफेक्ट्स, आर्किटेक्चर और व्हीकल इफेक्ट्स, सब कुछ को ऑन कर सकते हो, और पूरी फ्री फायर मैक्स हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक लॉन वुल्फ का गेम प्ले दे देता हूँ, और यहाँ पर आप अपनी मेन आईडी से भी लॉगिन कर सकते हो फ्री फायर मैक्स में। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने फ्री फायर में ग्राइंड किया तो फ्री फायर मैक्स पे भी आराम से वो आईडी लॉगिन कर सकते हो। और कस्टम एचयूडी का तो मैंने बता ही दिया है, और मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा गेम प्ले दे देता हूँ। और इस गेम प्ले में मैं बहुत नूब हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद फ्री फायर खेली थी, और ये सिर्फ मैंने आपको ट्यूटोरियल के लिए दिखाई थी कि ये काम कर रही है, तो माफ़ कर देना नूब गेम प्ले के लिए।
मैंने बहुत दिनों से खेल नहीं थी तभी मैं हार गया। तो किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।